हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुडविल। चैप्टर नंबर 3 आज हम शुरू करने जा रहे हैं अकाउंट्स का। उसका नेम क्या है? चेंज इन PSR, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है गुडविल। अब यहाँ पर गुडविल क्या होती है, सबसे हम पहले करेंगे मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल का क्या मीनिंग है? गुडविल मीन्स, आप मेरे साथ साथ नोट करते जाइए, गुडविल मीन्स ब्रांड वैल्यू और गुड नेम और रेपुटेशन earned by firm through hard work and honesty of owners। गुडविल क्या चीज़ है? कहते गुडविल मीन्स ब्रांड वैल्यू या गुड नेम। किसी भी कंपनी का जो नेम होता है, जो उसकी ब्रांड वैल्यू होती है, जो उसकी रेपुटेशन होती है, जो फर्म द्वारा कमाई जाती है, किसके द्वारा? मेहनत के द्वारा या उसकी ईमानदारी के द्वारा, जो अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करती है। सपोज करो कोई शॉप है, उस शॉप के जो केक हैं, बेकरी की शॉप है, तो वहाँ के जो केक हैं वो बड़े फेमस हैं। तो आप क्या करते हो, बार बार उसी शॉप पर जाते हो केक लेने के लिए कि भाई उसका केक तो बहुत अच्छा होता है। तो आप बार बार सेम शॉप पर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? कि वो आपको अच्छी क्वालिटी की गुड्स दे रहा है। तो ये क्यों है? अगर वो आपको ख़राब केक दे दे, क्या आप उसकी दुकान पर दोबारा जाओगे? नहीं, क्योंकि वो आपको अच्छी क्वालिटी से गुड्स दे रहा है। और तो उसका फिर एक मार्केट में नाम होता है ना कि हाँ मैं तो उसी दुकान से गुड्स परचेज करूँगा। तो वो पुराना एक ही कस्टमर जब बार बार सेम दुकान पर जाता है तो वो क्या होती है? गुडविल, यानी ब्रांड वैल्यू। जैसे हमने बहुत सारे नाम सुने होते हैं, लाइक एज हल्दीराम, बीकानेर, तो ये क्या होती है उनकी ब्रांड वैल्यू या उनका नेम जो मार्केट में चलता है, जिसके बेस पर वही कस्टमर उनके पास दोबारा जाते हैं। अब हम करते हैं डेफिनेशन ऑफ गुडविल। डेफिनेशन में क्या है? गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर्स विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेस। अब किसी विद्वान ने, किसी व्यक्ति ने यह डिफाइन किया है गुडविल को, कहते गुडविल कुछ भी नहीं है किसके अलावा, किस संभावना के अलावा कि जो पुराने कस्टमर्स हैं वो उसी पुरानी दुकान पर जाते हैं। ये डिफाइन किया है किसी विद्वान ने, कहा है कि गुडविल इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि जो पुराना कस्टमर है वो वही पुरानी दुकान पर जाता है। तो गुडविल क्या होगी? ब्रांड वैल्यू, नेम या रेपुटेशन, जो भी फर्म द्वारा कमाई जाती है अपनी हार्ड वर्क द्वारा और अपनी
ईमानदारी द्वारा। उसके बाद हम करते हैं फीचर्स ऑफ गुडविल। फर्स्ट जो हमारे पास फीचर है गुडविल की वो क्या है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल का क्या क्या मीनिंग होता है, अदृश्य, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। आपको एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है गुडविल किस टाइप की एसेट्स है, तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। सेकंड है इट इज नॉट एन फिक्टिशियस एसेट्स। ये है फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती हैं, जो कृत्रिम होती हैं। गुडविल इज नॉट एन फिक्टिशियस एसेट्स, ये फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, बल्कि कौन सी एसेट्स है, ये इंटेंजिबल एसेट्स है। कई बार आपको एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, बताओ गुडविल कौन सी एसेट्स है, वहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन दे रखे होंगे कई बार, इंटेंजिबल और फिक्टिशियस, बताओ कौन सी है, तो वो फिक्टिशियस नहीं है, वो कौन सी है, इंटेंजिबल एसेट्स। थर्ड इसकी है फीचर वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड अपॉन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ वैल्यूअर। गुडविल की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो उसको जज कर रहा है, जो उसकी वैल्यू लगा रहा है। अगर वैल्यूअर कोई और है तो उसके हिसाब से गुडविल की वैल्यू, फर्म की ब्रांड वैल्यू अलग होगी, और अगर वैल्यूअर कोई और है तो उसकी ब्रांड वैल्यू अलग होगी। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जजमेंट करने वाले के ऊपर। तो अब हमने मीनिंग ऑफ गुडविल, डेफिनेशन और फीचर्स, ये मैंने करवा दिया आपको। इसके बाद हम करते हैं अब टाइप्स ऑफ गुडविल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ गुडविल। अब गुडविल कितने टाइप्स की होती है हमारे पास, फर्स्ट है परचेज गुडविल, और सेकंड है हमारे पास नॉन परचेज। नॉन परचेज का दूसरा नाम क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। फर्स्ट फीचर क्या है परचेज गुडविल की, ये कब बनती है, इट राइजेस ऑन ए परचेज ऑफ बिजनेस। हम जब कोई बिजनेस चला चलाया, बिजनेस जब हम खरीदते हैं तो उस टाइम पे ये क्या होती है, अराइज होती है। तो उस टाइम पे ये गुडविल कैसे निकाली जाती है, परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट एसेट्स ऑफ बिजनेस। देखो बच्चों, उस टाइम पे जब हाँ जितना हम पे करते हैं, सपोज करो कोई बिजनेस था, वो हम चला चलाया बिजनेस खरीद रहे थे, उसकी जो टोटल एसेट्स थी वो थी हमारे पास 10 लाख रुपए की, बट वो बिजनेस बेचने वाला हमसे कितने मांग रहा है, 12 लाख रुपए मांग रहा है। एक्चुअल में नेट एसेट्स जो थी बिजनेस की कितनी थी, 10 लाख, पर वो बिजनेस बेचने वाला हमसे क्या मांग रहा है, 12 लाख रुपए। तो हम कहते हैं चलो भाई 12 लाख दे दो इसको, पर है तो इसकी एसेट्स 10 लाख की, क्योंकि ये चला चलाया बिजनेस है तो नाम अच्छा है।
तो ये जो हम 2 लाख रुपीज उसको एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, वो किस चीज़ के पे कर रहे हैं? गुडविल के। यानी ये क्या हो गई? परचेज गुडविल। कैसे निकाली हमने? जितना हमने उनको कंसीडरेशन पे किया है 12 लाख, माइनस नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस, जिसने कि हमने नेट एसेट्स बिजनेस की खरीदी हैं। और ये कहाँ रिकॉर्ड की जाती है? इट रिकॉर्डेड इन टू द बैलेंस शीट। उसके बाद लास्ट फीचर क्या है इसकी? इट विल बी अमोर्टाइज। विद इन 10 ईयर्स, या तो 10 साल में हमने इसको राइट ऑफ करना होता है, या और यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ गुडविल। गुडविल की जितनी इकोनॉमिक लाइफ है, मीन्स जितना टाइम तक हमें उसका बेनिफिट मिलेगा, उतना टाइम या 10 साल तक, उस टाइम के बीच में ये हमें क्या करनी होती है? राइट ऑफ करनी होती है। ये तो थी परचेज गुडविल, जो हम खरीदते हैं जब बिजनेस, तो उस टाइम अराइज होती है और ये बुक्स में रिकॉर्ड होती है। सेकेंड है नॉन परचेज गुडविल। नॉन परचेज हमने खरीदी नहीं है, सेल्फ जनरेट गुडविल। नाम से पता लग रहा है, सेल्फ जनरेट गुडविल अपने आप पैदा हुई है। वो कैसे? हमने लॉन्ग टाइम तक अच्छा काम किया है, लॉन्ग टाइम तक काम करने की वजह से ये जनरेट हो जाती है अपने आप। तो यानी इट इज इंटरनली जनरेटेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड, इस टाइप की जो गुडविल होती है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, एक्चुअल एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता इसका, इसका एक्चुअल एस्टीमेट पॉसिबल नहीं है। थर्ड, अब ये चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जो नॉन परचेज गुडविल है वो नॉट रिकॉर्डेड इन टू द बुक्स। ये हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करनी। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है? कि हमने जो परचेज गुडविल है वो बुक्स में रिकॉर्ड करनी है। मेन टू से अगर हमने गुडविल के लिए कोई पैसा खर्च किया है तो ये बुक में रिकॉर्ड की जाएगी। अगर हमने कोई भी मनी खर्च नहीं की, सेल्फ जनरेटेड है, तो हमने इसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना। परचेज गुडविल और नॉन परचेज गुडविल में यही डिफरेंस होता है। इसको हमने राइट ऑफ करना होता है कितने सालों के भीतर? 10 सालों के भीतर, या जितनी इकोनॉमिक लाइफ है गुडविल की, उन दोनों में से जो कम हो। ये तो थी टाइप्स ऑफ गुडविल। अब हम करते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग द गुडविल, जो फैक्टर्स गुडविल को इफेक्ट करते हैं, जिन कारणों की वजह से किसी फॉर्म की गुडविल ज़्यादा होती है या कम होती है। अब हम करते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग द गुडविल, जिन कारणों की वजह से गुडविल की वैल्यू किसी फॉर्म की ज़्यादा होती है या कम होती है। तो वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से गुडविल ज़्यादा होगी या कम होगी फर्म की? फर्स्ट है फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस। वो कहते हैं कि जो सबसे पहले जो बिजनेस है उसकी जो लोकेशन है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है किसको? बिजनेस की गुडविल को। वो कैसे? वो देखते हैं हम। सपोज ये आपका बिजनेस है, आपकी शॉप है, ठीक है, और ये है शहर, ये शहर के बाहर है जहाँ पर कस्टमर इजीली नहीं पहुँच सकता,
कस्टमर इजीली पहुंच नहीं सकता, तो अब आपको क्या होगा, फिर क्या प्रॉब्लम आएगी? जब कस्टमर जा नहीं सकता, उसे बहुत टाइम लग जाता है पहुंचने में, तो ऐसे में क्या आपकी जो गुडविल है बिजनेस की वो ज़्यादा होगी या कम होगी? और सपोज एक जो फॉर्म है वो सिटी के अंदर है, वहाँ पर कस्टमर जो हैं आसानी से पहुँच सकते हैं, तो ऐसे में किसकी गुडविल ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी? ये किसके ऊपर डिपेंड हो गया? लोकेशन के ऊपर। अगर हमारी लोकेशन इस ऐसी है जहाँ पर कस्टमर आसानी से पहुँच सकते हैं, तो हमारे जो बिजनेस की जो गुडविल है वो ज़्यादा होगी। अगर हमारा बिजनेस ऐसी जगह पर है जहाँ पर कस्टमर नहीं आ जा सकते, उन्हें पहुँचने में असुविधा होती है, तो उसकी जो गुडविल होगी वो क्या होगी? कम होगी। सेकेंड है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अब हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारे जो वर्कर्स हैं, वो काम करने में कितने एफिशिएंट हैं, इसके ऊपर भी हमारी क्या है, गुडविल बहुत डिपेंड करती है। सपोज ये हमारा बिजनेस है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छे एम्प्लॉइज रखे हुए हैं, दो, राम और श्याम। जो भी हमारा जो ये कस्टमर है, ये हमारा कस्टमर है, वो जब भी बिजनेस में या हमारी शॉप में आता है, तो राम और जो श्याम है वो दोनों उसको बहुत अच्छे से अटेंड करते हैं, तो क्या होगा, उसकी गुडविल ज़्यादा होगी या कम होगी? नेचुरल है उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, क्योंकि कस्टमर को जब हम अच्छे से अटेंड करेंगे, उसके साथ अच्छे से बातचीत करेंगे, तो कस्टमर क्या होगा, दोबारा उसी शॉप पर आएगा। तो मीन टू से जिनकी मैनेजमेंट बिजनेस की अच्छी होती है, उनकी जो गुडविल होती है वो ज़्यादा होती है, और जिनकी मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है, उनकी गुडविल कम होती है। थर्ड पॉइंट है हमारा द लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। हमारा जो बिजनेस है वो कितने टाइम से चल रहा है, वहां पर कितना टाइम हो गया हमें काम करते हुए? आपने देखा होगा कई दुकानों के बाहर ना लिखा होता है 1969 1981, वो ऊपर शॉप के ऊपर लिखा होता है। वो क्यों लिखा होता है? वो क्या चीज़ शो करता है कि ये हमारी जो दुकान है वो बहुत टाइम पुरानी दुकान है, इतने सालों से चल रही है। इतने सालों से तो तभी चलेगी जब हम अच्छा काम करेंगे। तो जितना बिजनेस पुराना होगा, उतनी उसकी गुडविल क्या होगी, ज़्यादा होगी। कस्टमर बार बार उसकी जो शॉप पे आएंगे। अगर बिजनेस नया है, हमने एक साल हुआ है, दो साल हुए हैं बिजनेस को स्टार्ट किए हुए, तो उसकी जो गुडविल होगी पुराने बिजनेस के कंपैरिजन क्या होगी, कम होगी। फोर्थ फैक्टर क्या है जो गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट करता है, वो है नेचर ऑफ गुड्स। गुड्स की नेचर, हमारे पास कितने तरह की गुड्स होती हैं? दो तरह की होती हैं। फर्स्ट तो होती हैं हमारे पास जो हमें डेली यूज के लिए चाहिए, जिनका फैशन से कोई लेना देना नहीं है। सेकंड जो होती हैं हमारे पास फैशनेबल गुड्स होती हैं। फैशनेबल गुड्स कौन सी होती हैं? जैसे हमारे क्लोथ्स हो गए, ज्वेलरी होगी, तो जो डेली यूज़ की गुड्स हैं, इनका तो फैशन से कोई लेना देना नहीं है। चाहे किसी तरह का मौसम हो, चाहे कोई भी फैशन चल रहा हो, इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इनकी जो गुडविल होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जो फैशनेबल गुड्स वाले बिजनेस होते हैं, उनका क्या होता है, माल अगर आपके पास है, आज जो फैशन चल रहा है, और ये नहीं पता होता कि जो फैशन है वो कब चेंज हो जाए, तो उनकी जो गुडविल होती है वो क्या होती है, ऐसी वस्तुओं की कम होती है। मीन्स
जो फैशनेबल गुड्स का बिजनेस करते हैं उनकी गुडविल कम होती है, और जो डेली यूज की गुड्स होती हैं ऐसे बिजनेस की गुडविल ज़्यादा होती है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास पोसेशन ऑफ लाइसेंस। पोजेशन ऑफ लाइसेंस क्या कहता है ये वाला पॉइंट हमारे पास? कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। बिना लाइसेंस के हम बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। लाइक मेडिकल है, मेडिकल के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो वहाँ हम अपनी दवाइयों की दुकान नहीं खोल सकते विदाउट लाइसेंस। तो जिनके लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे बिजनेस जिनके लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो उनकी जो गुडविल होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जिनके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंस, मतलब कोई भी व्यक्ति कब भी चाहे बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, तो ऐसे की जो गुडविल होगी वो क्या होगी, कम होगी। समझ में आ रहा है बच्चों? पोजेशन ऑफ लाइसेंस मीन्स जिन वस्तुओं के लिए, बिजनेस के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है उनकी गुडविल ज़्यादा होती है, क्योंकि हर व्यक्ति उस व्यवसाय में एंटर नहीं कर सकता। और उसी तरह जिसके लिए हमें कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, हर कोई व्यक्ति अपनी शॉप खोल सकता है, उसे किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ऐसे बिजनेस की जो गुडविल होती है वो कम होती है। उसके बाद हमारे पास आता है 6 पॉइंट, मोनोपली एंड अदर राइट्स। मोनोपलिस्टिक मीन्स कोई ऐसा बिजनेस है जो मोनोपली मार्केट को एंजॉय कर रहा है। मोनोपली मार्केट मीन्स सिर्फ मार्केट में वही सेलर है और कोई सेलर नहीं है, मीन्स वही वो गुड्स बेच रहा है। तो मोनोपली मार्केट में है हमारा बिजनेस, यानी हमारी मोनोपली है, तो ऐसे बिजनेस की जो गुडविल होगी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें कुछ राइट्स की ज़रूरत पड़ती है, अदर राइट्स। वो कौन से होते हैं? लाइक ट्रेडमार्क्स, या हमें पेटेंट करवाया हो सकता है किसी चीज़ का। तो जो पेटेंट करवाया हुआ है तो कोई भी दूसरा जो व्यक्ति है वो उस तरह की गुड्स नहीं बना सकता, तो ऐसे में उस बिजनेस की जो गुडविल होगी क्या होगी, ज़्यादा होगी। 7th पॉइंट है रिस्क इन्वॉल्व। अब जो रिस्क है वो भी बिजनेस की जो गुडविल है उसको इफेक्ट करता है। अगर बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है, लाइक फैशनेबल गुड्स, उसमें क्या होता है, रिस्क ज़्यादा होता है। रिस्क ज़्यादा है तो वहाँ पर गुडविल क्या होगी, कम होगी, वहाँ पर गुडविल कम होगी। और जिस बिजनेस में रिस्क नहीं है वहाँ जो गुडविल होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि जो रिस्क है वो प्रॉफिट्स को इफेक्ट करता है और प्रॉफिट्स गुडविल को इफेक्ट करते हैं। और इसी के 8th पॉइंट आ जाता है हमारे पास ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। अब हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो किस तरह से ट्रेंड कर रहे हैं? अगर जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो जो गुडविल भी होगी वो भी क्या होगी, हमारी ज़्यादा होगी। अगर हमारे जो प्रॉफिट्स हैं पिछले कई सालों से कम हो रहे हैं तो गुडविल भी क्या होगी, हमारी कम होगी। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो गुडविल भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर प्रॉफिट्स कम है तो गुडविल भी कम होगी। इसके बाद है 9th फैक्टर जो गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट करता है, फ्यूचर कंपटीशन। हमारे बिजनेस में फ्यूचर में कितना कंपटीशन होने वाला है? अगर हमें पता है
कि हमारा जो बिजनेस है वो इस तरह का है कि उसमें कोई भी नया व्यक्ति उस बिजनेस को जल्दी जल्दी शुरू नहीं कर सकता। तो यानी कंपटीशन होने की पॉसिबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो गुडविल भी क्या होगी, कम होगी। जितना कंपटीशन ज़्यादा होगा उतनी गुडविल क्या होगी, कम होगी। और जितना हमारा कंपटीशन होगा कम होगा, मीन्स हमें कोई संभावना ही नहीं है बिजनेस में कि कोई और हमारे तरह का बिजनेस शुरू कर सकता है, तो वहाँ पर गुडविल क्या होगी, ज़्यादा होगी। लास्ट फैक्टर है, 10th फैक्टर, वो है कैपिटल रिक्वायर्ड। अब देखो बच्चों, हमने बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस शुरू करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पूंजी की सबसे पहले। ठीक है बच्चों, अगर बिजनेस को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की ज़रूरत होती, कैपिटल रिक्वायर्ड। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक बिजनेस फर्म है ए बी, और एक बिजनेस फर्म है हमारे पास एम एन। एक हमारे पास बिजनेस फर्म है ए बी और एक बिजनेस फर्म है एम एन। ए बी ने तो बिजनेस में जो पूंजी लगाई है वो तो है 10 लाख, और उसके ऊपर कमा रही है प्रॉफिट्स वो कितने हैं, 2 लाख। और जो एम एन है उसने पूंजी लगाई है बिजनेस में 15 लाख रुपए, यानी कैपिटल लगाई है बिजनेस में, और उसके भी जो प्रॉफिट्स हैं वो कितने हैं, 2 लाख रुपए। अब ए बी तो 10 लाख लगाकर 2 लाख कमा रही है, लेकिन जो एम एन है वो 15 लाख लगाकर 2 लाख रुपए कमा रही है। दोनों के प्रॉफिट्स तो सेम है, लेकिन इसमें जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है और इसमें कम है। ये 15 लाख लगाकर 2 लाख कमा रहे हैं और ये 10 लाख लगाकर 2 लाख कमा रहे हैं। इट मीन्स जो ये वाली फॉर्म है हमारी, बिजनेस फॉर्म ए बी, वो कम पैसे लगाकर भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है और वो ज़्यादा पैसा लगाकर भी उतना ही प्रॉफिट कमा रही है। तो क्या कहा जाएगा कि जो ए बी फर्म है इसकी गुडविल क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इसकी गुडविल क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि ये कम पैसे लगाकर भी उतने ही प्रॉफिट कमा रहे हैं जितने दूसरी फर्म ज़्यादा पैसे लगाकर बिजनेस में उतने प्रॉफिट कमा रही है। तो ये तो थे हमारे फैक्टर्स, एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट फैक्टर था फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। अगर हमारा जो बिजनेस है कुछ ऐसी जगह पर है जहाँ पर जो हमारे कस्टमर्स हैं वो अगर आसानी से पहुँच सकते हैं तो गुडविल हमारी ज़्यादा होगी, अगर वो आसानी से नहीं पहुँच सकते तो गुडविल हमारी कम होगी। सेकंड, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। हमारी जो मैनेजमेंट है वो कितनी एफिशिएंट है, मीन्स वो कस्टमर को अगर ढंग से हैंडल करती है, सभी काम अच्छे से देखती है, टाइम पर निपटाती है, तो हमारी गुडविल क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर हमारी मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है, हमारे वर्कर्स अच्छे नहीं हैं, तो हमारी गुडविल क्या होगी, कम होगी। थर्ड फैक्टर था द लॉन्गविटी ऑफ द बिजनेस। अगर जो बिजनेस है जितना ही पुराना है उसकी गुडविल उतनी ही ज़्यादा होगी, जितना बिजनेस नया होगा उसकी गुडविल उतनी ही कम होगी। फोर्थ फैक्टर है नेचर ऑफ गुड्स। हमारी जो गुड्स जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं वो किस तरह की है, डेली यूज़ की है, तो उनकी गुडविल क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर वो फैशनेबल गुड्स हैं, पेरिशेबल गुड्स हैं, तो उनकी गुडविल क्या होगी, कम होगी। फिफ्थ फैक्टर है जो गुडविल को इफेक्ट करता है, पोजेशन ऑफ लाइसेंस। अगर हम कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी गुडविल ऐसे बिजनेस की क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है तो ऐसे बिजनेस की गुडविल कम होगी। उसके बाद है पॉलिस्टिक एंड अदर राइट्स। अगर हमारी मार्केट में मोनोपली है, हम अकेले ही सेलर हैं, तो हमारी गुडविल क्या होगी, बिजनेस की ज़्यादा होगी। अगर हमें कुछ ऐसे राइट्स की ज़रूरत पड़ती है बिजनेस के लिए जो किसी और के पास नहीं है, यानी हमने पेटेंट करवाया हुआ है, तो भी गुडविल क्या होगी, ज़्यादा होगी। सेवन, रिस्क इन्वॉल्व। बिजनेस में रिस्क जितना ज़्यादा होगा गुडविल उतनी कम होगी, जितना रिस्क बिजनेस में कम होगा गुडविल उतनी ही ज़्यादा होगी।
इट्स अ ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, अगर हमारे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूसली तो गुडविल भी ज़्यादा होगी, अगर हमारे प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं तो गुडविल भी कम होगी। नाइन्थ है फ्यूचर कंपटीशन, अगर हमारे बिजनेस में फ्यूचर में कंपटीशन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो गुडविल उस केस में क्या होगी, कम होगी, क्योंकि नई फर्में क्या होंगी बिजनेस में एंटर कर जाएंगे और हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे फ्यूचर में। अगर फ्यूचर में कंपटीशन होने की पॉसिबिलिटी कम है तो हमारी गुडविल क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि नई फर्में बिजनेस में एंटर नहीं कर पाएंगी। और लास्ट फैक्टर है जो गुडविल को इफेक्ट करता है, कैपिटल रिक्वायर्ड। अगर दो तरह की फर्में सेम प्रॉफिट्स कमा रही हैं तो जिसकी कैपिटल ज़्यादा है उसकी गुडविल क्या होगी, कम होगी, और जो फर्म कम पैसा लगाकर उतने ही सेम प्रॉफिट्स कमा रही है उसकी गुडविल क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ लिया गुडविल क्या है, इसकी क्या फीचर्स हैं, इसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं और ये कितने टाइप की होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मैथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम्स है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।